नमस्कार, मैं अनुराग। आप देख रहे हैं दखल का लाइव। कोरोना को लेकर तरह तरह की बातें चल रही हैं। कोरोना को लेकर तमाम सारे ख्यालात लोगों के दिमाग में आ रहे हैं, जहन में तमाम किस्म की बातें आ रही हैं। एक शब्द ईजाद किया गया था, किल कोरोना। किल कोरोना या कोरोना किल्स, बड़ा गडमट सा सब हो गया है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कहा जा रहा था कि कोरोना को कंट्रोल किया जा रहा है, सरकारी स्तर पर जो प्रयास किए जा रहे हैं जैसा संभव उनके सुखद परिणाम आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब कोरोना ने अपने पैर पसारना शुरू किए तो आप देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब अस्पताल में नजर आ रहे हैं, उनको भी कोरोना हो गया है। अरविंद भदौरिया से शुरू हुआ मंत्रिमंडल में सिलसिला, थमा नहीं है, लगातार चल रहा है। एक मंत्री आए, फिर दूसरे मंत्री, फिर तुलसी सिलावट, फिर तीसरे मंत्री। बीजेपी के कई नेता भी कोरोना की चपेट में हैं, कोरोना संक्रमण से छूट नहीं पाए हैं। क्या आम लोग और क्या खास लोग, कोरोना किसी को भी बख्श नहीं रहा है, ये समझना चाहिए। सरकार और प्रशासन ने सारी की सारी पाबंदियां जनता पे लगा दी। काम पे नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, फला ढिमका। जनता के सामने बड़ी मजबूरी है। काम पे जाते हैं तो कोरोना मार डालेगा, काम नहीं करते हैं तो बेरोजगारी को भूख मार डालेगी। विकट समस्या है, इसमें क्या करें। जनता के ऊपर बंदिशें लगाई गई, जनता को समझाइश दी गई, और मुझे लगता है कि तकरीबन 80 से 90 फीसदी जनता समझदार है, वो समझ भी गई इस बात को। 10-1% लोग होंगे जो नहीं मान रहे हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं बेकाम। कोई मतलब नहीं होता, सड़क पे मुंह उठाए निकल चलते हैं, खुद तो अपनी जान जोखिम में डालते हैं, बाल बच्चों को और ले जाते हैं। जनता को समझाइश दी गई, जनता समझ रही है, लेकिन सवाल उठता है क्या नेता समझ रहे हैं। जो पाबंदियाँ, जो बंदिशें जनता के लिए, क्या वो नेताओं के लिए नहीं है। नेता क्या कोई अलग किस्म का प्राणी है, या नेता को कोरोना नहीं होगा, ये नेता को समझ में नहीं आ रहा है। नेता से आशय कोई सत्तारूढ़ बीजेपी की बात नहीं कर रहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष दोनों के नेताओं को समझना पड़ेगा, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस। कोरोना किसी को छोड़ नहीं रहा है। आप भी मेहरबानी कीजिए, आप लोगों के जरिए भी कोरोना फैल रहा है। अब तो पहले कहने में बड़ा संकोच होता था, लेकिन ये बात निर्विवाद है कि राजनीति के जरिए भी कोरोना का संक्रमण तीव्र गति से फैल रहा है। मध्य प्रदेश में कई जगह चुनाव है, आप लोग बैठ के कर रहे हैं, कमरा बैठ के कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, नतीजा आप खुद भी संक्रमित हो रहे हैं और लोगों को भी कर रहे हैं। संक्रमण फैलाना अगर पाप है, अपराध है, तो उसके तो भागी आप भी हैं। तो नेता लोगों, आपसे गुजारिश है, मेहरबानी कीजिए, खुद के ऊपर, अपनी पार्टी के ऊपर, अपने विचार के ऊपर, अपने साथी संगी कार्यकर्ताओं के ऊपर और जनता के ऊपर, और फिलहाल दूरियां बनाएं। चुनाव तो होते रहेंगे, सत्ताएं आती जाती रहेंगी, लेकिन जीवन महत्वपूर्ण है। जीवन रहा तो ये सब चलता रहेगा। आप लोग कभी उन आम लोगों के बारे में सोचिए, उस मध्यम वर्ग के बारे में सोचिए, क्योंकि ये गरीबों के लिए आप बहुत सारी योजनाएं चालू कर देते हैं राजनीति से जुड़े लोग। अमीरों के लिए बहुत कुछ है, उनके पास पैसा भी है। कभी मध्यम वर्ग का ख्याल किया है कि मध्यम वर्ग कैसे स्थिति जीता है, मध्यम वर्ग के दो वक्त की रोटी किस तरह जुटाई जा रही है। पिछले 4-5 महीनों में कई लोग खुदकशी के कगार पर पहुंच गए हैं, कई लोगों ने खुदकशी कर ली है, कई लोग खुदकशी करने वाले हैं। कुछ हमारे मित्र भी हैं, हम उन्हें समझाते हैं, रोज़ समझाई देते हैं, हौसला बढ़ाते हैं एक दूसरे का कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। लेकिन राजनीति वालों को समझ में नहीं आता, उनको वोट बैंक गरीबों में नज़र आता है, उनको वोट बैंक अमीरों में नज़र आता है। जो भी हो, पॉलिसियाँ उनके लिए बनती हैं। थोड़ा मध्यम वर्ग के बारे में भी सोच लीजिए, मध्यम वर्ग के बारे में विचार कर लीजिए। मुख्यमंत्री शिवराज जी, आप तो अस्पताल में, आपके पास वक्त बहुत है, जरा मनन कीजिए। आप भी अपने आप को मध्यम वर्ग का बताते हैं, किसान पुत्र बताते हैं, तो मध्यम वर्ग की समस्याओं के बारे में भी गहन चिंतन कीजिए कि वो इस कोरोना संक्रमण काल के बाद अपना जीवन यापन कैसे करे। बड़ी भारी चुनौती है मध्यम वर्ग के सामने। मार्च से लेकर अभी तक अगर सर्वाधिक कोई पिसा है, सर्वाधिक किसी ने कष्ट भोगे हैं, तो देश का मध्यम वर्ग है, वो हमारे प्रदेश का मध्यम वर्ग है, जिसके बारे में कोई नहीं सोचता, जिसके बारे में किसी को ख्याल नहीं है। मीडिया के सामने संकट है, व्यापारियों के सामने संकट है, बिजनेसमैन के सामने संकट है। संकट सिर्फ राजनीति में नहीं है, कोरोना का डर राजनीति में नहीं है, कोरोना का भय राजनीति में नहीं है। आप बीजेपी दफ्तर चले जाएं, कांग्रेस दफ्तर चले जाएं, रूह कांप जाती है। गलती से मैं एक दिन अभी बीजेपी दफ्तर गया, फिर कांग्रेस दफ्तर गया, तो मैं हैरत में था, क्या कोई घुट्टी पी के आए कि आपको कोरोना नहीं होगा। सैकड़ों नहीं, हजारों की तादाद में लोग पहुंचते हैं,
नेता लोगों से मेरा बहुत विनम्र आग्रह, बार बार आग्रह कर रहा हूँ कि आप समझाइश दीजिए, दूरियाँ, सोशल डिस्टेंस की आप बात करते हैं, फिजिकल डिस्टेंस ये बना के रखिए। आपके पार्टी दफ्तरों में उनका पालन नहीं होता है, आपकी मीटिंग्स में उनका पालन नहीं होता है। मुख्यमंत्री जी, आप सहृदय हैं, आप इस विषम काल में जब आप खुद कोरोना से संक्रमित हैं, आप अपने कपड़े धो रहे हैं, अपने बर्तन साफ कर रहे हैं, आपके हाथों की शक्ति वापस लौट आई है, तो कृपा कर कुछ ऐसा कीजिए, ऐसे निर्देश दीजिए। आपको लोग मानते हैं, लोग आपकी बात सुनते हैं, युवा वर्ग आपसे जुड़ा हुआ है। कमलनाथ जी, आपके भी फैन फॉलोइंग बहुत है, आपके भी लोग मानते हैं, तो आप भी अपने कार्यकर्ताओं को, दोनों नेता कमलनाथ जी और शिवराज जी, अपने अपने कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दीजिए कि कोरोना से बचाव के लिए अभी मीटिंगें बंद कर दीजिए, चुनाव तो आते जाते रहेंगे, होते रहेंगे, ये रैलियाँ वैलियाँ और दिखावा सब बंद करा दीजिए थोड़े समय तक। अगर कोरोना का को रोकना है तो राजनीति सबसे अहम भूमिका निभा सकती है। पुलिस का डंडा कब तक चलाएंगे? पुलिस वाले भी थक गए हैं, अफसर कब तक गाड़ियाँ लेके दौड़ेंगे, वो भी थक गए हैं, सबको काम करना है। लेकिन सोशल डिस्टेंस की बात, जो फिजिकल डिस्टेंस है उसकी जब हम बात करते हैं, हम सैनिटाइजेशन की बात करते हैं, हम मुंह पे मास्क लगाने की बात करते हैं, तो कृपया अपने नेताओं को निर्देश दीजिए वो मास्क लगाएं। नेता लोग मास्क नहीं लगाते, उनके अहम को चोट लगती है अगर मुंह ढक जाए तो। कई नेता हैं, किसी का नाम नहीं लूंगा, दोनों पार्टियों में। तो कृपा करके शिवराज जी, कृपा करके कमलनाथ जी, जनता के ऊपर अपना आशीष बरसाएं, जनता पे अपनी कृपा दृष्टि डालें, कोरोना से बचाव के लिए जो सिर्फ बकलोली हो रही है उसको बंद कर दें और एक्शन में आ जाएं, और सबसे पहले इसको राजनीति से शुरू करें कि चुनाव के लिए बैठ के, और जो एक नया तरीका चल गया है कि वर्चुअल रैलीज हो रही हैं, उसमें भी क्यों बुलाने की ज़रूरत है, कभी भी हो जाएगा चुनाव, जब कोरोना काल खत्म होगा तभी सब होगा ना, तो तब तक इस पर एक अल्प विराम लगा दीजिए, लोगों की जान की रक्षा के लिए, लोगों की इस बीमारी से रक्षा के लिए फिलहाल सारी राजनीति बंद कर दीजिए। कहते हैं ना कि जान है तो जहान है, सब चलता रहेगा, तो लोग सुरक्षित रहें, लोग अपना काम करते रहें, उसके लिए आवश्यक है कि आप इस तरह के दिशा निर्देश दें कि फिलहाल राजनीति को बंद कर दिया जाए, और ख़ास करके चुनावी राजनीति को बंद कर दिया जाए। चुनाव होंगे उस समय आप खूब रैलियाँ कीजिएगा, तब तक वैक्सीन आ जाएगा, लोगों की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, लोगों की कोरोना से लड़ने की क्षमता आ जाएगी। ऐसा ना लगे कि कोरोना से लड़ने की क्षमता सिर्फ नेताओं में है, क्योंकि ऐसा लगना भी एक भ्रम है, और वो भ्रम टूट गया जब लगातार एक के बाद एक मंत्री, बीजेपी के संगठन मंत्री, संगठन महामंत्री, कई लोग जब कोरोना पीड़ित हुए, कई पत्रकार भरे पड़े हैं अस्पतालों में। तो हमको, आपको, सबको फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना है, अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना है, कोरोना से बचाव के उपाय करने, अच्छा खाना है, मस्त रहना है। और बाकी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब और अपोजिशन के बड़े नेता कमलनाथ जी, दोनों मिलकर कुछ ऐसा कीजिए कि मध्य प्रदेश में कोरोना से मुक्ति मिल पाए, और राजनीति में ऐसा ना हो कि कोरोना राजनीति कारण और बढ़ता रहे। किल कोरोना को अगर सफल बनाना है, कोरोना को दूर भगाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि कोरोना के मसले पर राजनीति ना हो। और एक चीज़ और है, आप लोगों ने बड़े दावे के साथ कहा कि साहब शादी ब्याह में 50 लोग जाएंगे, किसी की मैयत है, किसी का अंतिम संस्कार है तो 20 लोग जाएंगे, लेकिन आपकी रैलियों में तो गिनती नहीं होती, आपकी कमरा बैठकों में तो गिनती नहीं होती। ऐसे नियम राजनीति के लिए भी बनाएं, तो मुझे हो सकता है कि हम कोरोना को हराने में कामयाब हो पाएं। नमस्कार। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।